पतंगबाजी का मुकाबला। नमस्कार, मैं हूँ खबरी लाल। विश्व की सबसे बड़ी पतंगबाजी प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। आनंद नगरी में हर साल होने वाले इस मुकाबले में भाग लेने के लिए दुनिया भर से पतंगबाज आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पतंग लेकर आए हैं जापान से काइतोमो। सबसे छोटी पतंग लाए हैं नेपाल नगरी के बहादुर। ये पतंग है या पतंगों की दुनिया की मक्खी? गिरी नगर से आए हैं गायतस मांझा। 100 पतंगों की एक पतंग लेकर। इसकी पतंग 100 बार काटनी पड़ेगी क्या? कैसे काटूंगा? बल्लू, पतंग 100 है लेकिन मांझा तो एक ही है। तुम एक ही बार में 100 की 100 काट लोगे। अफ्रीकन के तोबा तुलू लाए हैं रोशनी वाली पतंग। पानी में मछली तो आपने देखी होगी लेकिन हवा में मछली आप पहली बार देख रहे होंगे। वो देखो शेर पतंग और वो बिच्छू पतंग। सेब संतरा सब है, लड्डू पतंग क्यों नहीं है? वो होती तो तुम उसे उड़ने से पहले ही खाना जाते। आनंद नगरी के बहुत सारे बच्चे इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए राधिका की तितली पतंग, बल्लू की ढाल पतंग, चंपू की पुच्छाल पतंग। दोस्तों, अभी अभी दुनिया के सबसे मशहूर पतंगबाज भी यहाँ पहुँच गए हैं। चिनचिनपुर के चिनशे, जिनके पास है ड्रैगन पतंग। चिनशेन ने दुनिया भर की सारी पतंगबाजी प्रतियोगिताओं को जीता है। चिनशेन आनंद नगरी पहली बार आए हैं, क्या ये यहाँ भी जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ इनका मुकाबला होगा किसना से। मुकाबला शुरू किया जाए। काश मैं भी पतंग उड़ा पाता। तुम पतंग उड़ा तो लेते हो पर मुकाबले से घबराते हो। लो मेरी पतंग उड़ाओ। नहीं किसना, तुम्हारी पतंग कट जाएगी। सुद्धि, ये पतंग तुम्हारे लिए। लेकिन मैं। सुद्धि कोशिश तो करो, सच्चे मन से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुद्धि डोर खींचो। एक तरकीब है। वो क्या? देखते जाओ, बस डोर को पकड़े रहना। वाह सुद्धि, बहुत बढ़िया। बज गई घंटी। पतंग के पीछे टोटो छुपा था, वो कटी पतंग में फंस गया है। क्या? मांझा पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक होता है, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? वो खुद ही पतंग के पीछे छुप गया था, अब क्या होगा? किसना के रहते टोटो को कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी पतंग संभालो, मैं उसे बचाता हूँ। किसना, तुम टोटो को बचाओ, मैं और राधिका तुम्हारी पतंग के पास किसी और की पतंग आने नहीं देंगे। J
नीचे गिरा तो शरीर में इतने छेद हो जाएंगे कि जाने दो, आगे नहीं सोचता। ऊपर वाले मुझे बचाओ, बचाओ। टोटो तुम ठीक तो हो ना? मुझे भला क्या हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पतंग उसे शुद्धि उड़ा रहा है। शुद्धि? ये वो काटा, ये भी गई और ये भी। जाओ चिंसेन से कहो बल्लू और राधिका की पतंग काट दे। जी दुर्मुख जी। ए सुनो राधिका, ड्रैगन पतंग तुम्हारी तरफ आ रही है। अब तुम्हारी बारी। तो आ जाओ मैदान में। ओहो, बल्लू की पतंग भी कट गई। ये किसना पता नहीं कहाँ है। चंपू, किसना की पतंग काटने का यही मौका है। किसना की पतंग तो गई समझो। ओए ओए शुद्धि, पतंग संभालो। मेरे नालायक बेटे कुछ भी नहीं कर पाते। कृष्णा की पतंग काटना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। हाँ। मेरी पतंग काट दी, मेरी पतंग वापस लाके दो। ये राज अभी अभी खुला है कि काइटो वॉन अपने साथी की पतंग उधार मांग कर लाए थे, और अब पतंग कट जाने के बाद उनके साथी बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि कान पकड़ के उठक बैठक करो। सिर्फ दो पतंगे बची हैं, चीन के चिनशेन की ड्रैगन पतंग और आनंद नगरी के किसना की मोर पंख पतंग। अब वक्त आ चुका है आखिरी मुकाबले का। इन दोनों में से जो जीतेगा वही होगा पतंगबाजी का विश्व विजेता। किसना, 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 किसना। इसने राधिका और बल्लू की पतंग काट दी और सब पर हंस भी रहा था। ये चिनशेन बहुत घमंडी है, काश मैं इसकी पतंग काट पाता। किसना, इसको मजा चखा दो। हाँ किसना, इसकी पतंग काट दो। सुधि, इसकी पतंग मैं नहीं तुम काटोगे। मैं नहीं किसना, मैं इसकी पतंग नहीं काट सकता। तुम सबको मुझ पर भरोसा है? है।
सुद्धि, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डर ही हरा सकता है और कोई नहीं। अगर निडर होकर मुकाबला करोगे तो जीत सिर्फ तुम्हारी ही होगी। ये क्या, आखिरी मुकाबले से पहले किसना ने डोर सुद्धि के हाथ में दे दी? ये क्या? किस्ना की पतंग को आनंदी नदी में गिरा देगा। किस्ना, इतनी बड़ी और डरावनी पतंग को मैं नहीं हरा सकता। सुद्धि, डरावना चेहरा बना लेने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। तुम जीतोगे सुद्धि, तुम जीतोगे। सुद्धि, सुद्धि, सुद्धि। बल्लू भैया, जरा अपनी चरखी दो। ये लो। सुद्धि, ढील दो। कट गई। सुद्धि ने किस्ना की पतंग कटवा दी। किस्ना, पतंग कट गई क्या? ये काटा। और इस साल के विजेता हैं किस्ना।